क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। मुंबई इंडियंस ने बड़ी उम्मीदों के साथ, सपनों के साथ हार्दिक पांड्या को अपनी टीम की कप्तानी दी थी, लेकिन ये दांव उल्टा नहीं पड़ा है बल्कि दांव फेल हो गया है, क्योंकि हार्दिक पांड्या फेल हो गए हैं। पांड्या बिखर गए हैं, टूट गए हैं। हार्दिक से हो नहीं पा रहा क्योंकि हार्दिक पांड्या फाइनली डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं और इस पर मोहर भी लग गई है। जी हाँ, बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, बड़ा खुलासा आपके सामने करने जा रहे हैं। दिग्गज खिलाड़ी ने बड़ा खुलासा किया है कि हार्दिक पांड्या डिप्रेशन में चले गए हैं। मैच से ठीक पहले जसप्रीत बुमराह और सूर्यकुमार यादव के सामने हार्दिक बुरी तरह से रोने लगे। हालात ऐसे बिगड़ गए कि मेंटल अस्पताल तक पहुंचाना पड़ा, जिसके बाद हार्दिक पांड्या की हालत बेहद खराब बताई जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि बीच सीजन में ही हार्दिक पांड्या को टीम से ही बाहर करना पड़ जाए। तो क्या है अपडेट, क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और पांड्या की इस हालत पर कमेंट जरूर करें कि क्या हार्दिक के साथ अब ज्यादा गलत हो रहा है या फिर हार्दिक पांड्या को उसके कर्मों का ही फल मिल रहा है। कमेंट जरूर करें। तो हार्दिक पांड्या डिप्रेशन में चले गए हैं। जी हाँ, ये बड़ा दावा दिग्गज ने किया और इसके साथ ही एक और बड़ा खुलासा भी हार्दिक को लेकर हुआ है कि उन्हें मेंटल अस्पताल यानी कि मानसिक बीमारी वाले डॉक्टर को दिखाना तक पड़ गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं। जिस तरह से हार्दिक पांड्या को ट्रोल किया गया, उसके खिलाफ शूटिंग हुई, सभी को लग रहा था कि हार्दिक की हालत तो ठीक बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन अब दिग्गज खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा ने फाइनली खुलासा कर दिया है। साफ साफ बता दिया कि हाँ, हार्दिक डिप्रेशन का शिकार हो गया है, उसे मानसिक बीमारी हो गई है और हार्दिक का करियर तक खतरे में आ गया है। रॉबिन उथप्पा के मुताबिक हार्दिक पांड्या डिप्रेशन में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और हार्दिक से टीम संभल नहीं पा रही है, क्योंकि बाहर से आ रहे शोर को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इतना ज्यादा गुस्सा और हेट हार्दिक सहन नहीं कर पा रहे हैं। मुंबई की टीम अभी जयपुर में है और टीम सूत्रों के मुताबिक रोहित शर्मा तो सीधे मैच से पहले टीम के साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि वो बीच में मुंबई गए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या टीम के बाकी दो सीनियर खिलाड़ियों से बात करने के लिए होटल रूम में पहुंचे। जी हां, राजस्थान से मैच से पहले सूर्यकुमार यादव और बुमराह से हार्दिक पांड्या ने बातचीत की और सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में हार्दिक पांड्या रोने तक लगे, कहने लगे कि उनकी कोई गलती नहीं है। उन्हें फ्रेंचाइजी यानी कि मुंबई की तरफ से ऑफर आया और उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। हार्दिक ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतना बड़ा क्राइम कर रहा हूं कि मेरी ऐसी हालत कर दी जाएगी। आगे देखिए, हार्दिक ने सूत्रों के मुताबिक सूर्या और बुमराह से सपोर्ट मांगा और इस पर उन दोनों ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अब बात आगे बढ़ चुकी है, लिया जा, पुरानी बातों को भूल जाओ। अब हार्दिक पांड्या भी जानते हैं कि बुमराह और सूर्या की लॉयल्टी रोहित शर्मा को लेकर जाते हैं और हार्दिक इन दोनों के ही जूनियर हैं, लिहाजा ये दोनों भी हार्दिक पांड्या को कप्तान तो बिल्कुल भी नहीं मानते, लेकिन इन दोनों के बगैर हार्दिक का कुछ नहीं होगा, मुंबई का कुछ नहीं होगा और इसीलिए हार्दिक पांड्या रोने तक लगे। जी हां, हार्दिक पांड्या इन दोनों के सामने रोने लगे, बिलखने लगे। मुंबई इंडियन सूत्रों के मुताबिक हार्दिक पांड्या को संडे यानी कि रविवार के दिन चार्टर्ड फ्लाइट से मुंबई भी भेजा गया और शाम तक हार्दिक पांड्या को फिर से उसी चार्टर्ड फ्लाइट से वापस जयपुर लाया गया। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि मुंबई के एक मानसिक रोग के डॉक्टर से हार्दिक का इलाज चल रहा है और हार्दिक को उन्हीं डॉक्टर के पास ले जाया गया ताकि हार्दिक पांड्या की मेंटल बीमारी कंट्रोल हो सके, हार्दिक पांड्या मानसिक रूप से अच्छा सोच पाए, अच्छा कर पाए। हालांकि हार्दिक पांड्या मैच के बीच में मिलने वाले गैप में थोड़े से ठीक हो जाते हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश भी करते हैं, उनका दिमाग भी शांत रहता है, लेकिन जैसे ही मुंबई इंडियंस के मैच का दिन आता है तो फिर से हार्दिक को लेकर बवाल हो जाता है, क्योंकि मैदान में न सिर्फ हार्दिक को लेकर हूटिंग होती है बल्कि हार्दिक पांड्या को गंदी गंदी गालियां भी दी जाती हैं और उससे हार्दिक पांड्या और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। लिया जा, हार्दिक पांड्या की मानसिक हालत बिल्कुल भी न तो ठीक है और न ही ठीक हो पा रही है। अब ऐसे हालात में हार्दिक पांड्या की ज्यादा हालत बिगड़ती है तो फिर उन्हें रेस्ट के लिए घर भेजा जा सकता है, तब हार्दिक पांड्या बाहर होंगे तो बुमराह को कप्तानी मिल सकती है, क्योंकि रोहित शर्मा तो साफ साफ इनकार कर चुके हैं कि वो दोबारा से मुंबई इंडियंस की कप्तानी नहीं करेंगे। सूर्यकुमार यादव पूरी तरह से फिट नहीं है, लिहाजा खबर यही है कि हार्दिक पांड्या डिप्रेशन में चले गए हैं और लिहाजा कुल मिलाकर खबर यही है कि हार्दिक पांड्या डिप्रेशन में चले गए हैं। सूर्या और बुमराह के सामने रोने लगे और एक बार फिर मेंटल डॉक्टर के पास उनको लेकर जाया गया और अब तो रॉबिन उथप्पा ने इस पर मुहर भी लगा दी है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, क्या हार्दिक को उसके कर्मों की सजा मिल रही है और रोहित को सम्मान मिलने तक ये जारी रहना चाहिए या फिर हार्दिक के खिलाफ अब बहुत ज्यादा होटिंग हो चुकी है, अब इसे बंद हो जाना चाहिए, आप क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो रोहित शर्मा के साथ मुंबई की टीम में गलत हो रहा है, ज्यादती हो रही है, यहाँ तक कि मुंबई की टीम के अंदर रोहित को वो सम्मान नहीं दिया जा रहा, ये हम सभी जानते हैं, हम आपको बार बार बता रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, क्योंकि रोहित को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को नया कप्तान बनाया गया और अब इस सीजन के पहले मैच से लेकर अब तक मुंबई को हार्दिक पांड्या को ट्रोल किया गया। अब रोहित शर्मा को लेकर एक और नई बड़ी खबर है। गुरुवार 18 अप्रैल को पंजाब और मुंबई के बीच मोहाली के मैदान में मुकाबला खेला गया और इस मैच में जीत के तुरंत बाद रोहित शर्मा अपनी पत्नी के साथ मुंबई रवाना हो गए। जी हाँ, बाकी टीम होटल गई और उस रात चंडीगढ़ में ही रुकी और अगले दिन जयपुर के लिए रवाना हुई, लेकिन रोहित शर्मा उसी रात यानी कि गुरुवार की रात 18 अप्रैल की रात ही मुंबई के लिए निकल गए, सीधे अपने घर पहुंच गए। अब बड़ी खबर यह है कि रोहित शर्मा हाल फिलहाल टीम के साथ वापस जुड़ने वाले भी नहीं है। जी हाँ, सोमवार 22 अप्रैल को जयपुर में मुंबई और राजस्थान का मुकाबला होना है और रोहित शर्मा सीधे 22 अप्रैल की दोपहर को ही जयपुर पहुंचेंगे और 22 अप्रैल के मुकाबले में मुंबई की टीम के लिए खेलेंगे। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि मुंबई में टीम इंडिया के वर्ल्ड कप के सिलेक्शन के लिए बीसीसीआई हेडक्वार्टर में मीटिंग होनी है और इस संडे यानी कि 21 अप्रैल को ये मीटिंग है। इस मीटिंग में रोहित शर्मा, अजीत अगरकर, राहुल द्रविड़ शामिल होने वाले हैं और इस मीटिंग में टीम का फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, यानी कि ये तय किया जाएगा कि किन खिलाड़ियों के नामों पर विचार करना है, किन खिलाड़ियों के नामों पर विचार तक नहीं करना है, ये सब कुछ इसमें तय होगा। और इसके बाद 28 अप्रैल को दूसरी और फाइनल मीटिंग होगी जिसमें वर्ल्ड कप के लिए टीम का सिलेक्शन फाइनल कर दिया जाएगा और फिर 1 मई से पहले पहले भारत की वर्ल्ड कप की टीम का ऐलान भी हो जाएगा, क्योंकि 1 मई आईसीसी ने ही डेडलाइन दी है। यानी कि रोहित शर्मा मुंबई गए तो वर्ल्ड कप की टीम की मीटिंग की खातिर हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस के खेमे में खासी खलबली मच गई है, क्योंकि मुंबई के मैचों के दौरान तो रोहित शर्मा ने होटल में रहने से इनकार कर दिया था। रोहित शर्मा अपने घर पर रह रहे थे, वहीं से मैच खेलने आते थे और वापस अपने घर चले जाते थे, लिहाजा यहां पर भी अचानक रोहित के मुंबई जाने से मुंबई का मैनेजमेंट घबरा गया। हेड कोच मार्क बाउचर ने रोहित शर्मा से इसे लेकर बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक रोहित शर्मा को कंफर्टेबल करने की कोशिश की गई, रोहित से पूछा गया कि उनको अगर कोई और दिक्कत है तो वो बता दें कि वो अचानक मुंबई क्यों जा रहे हैं, तो रोहित शर्मा ने कोई दिक्कत नहीं होने की बात कही और रोहित ने बताया कि उनकी टीम इंडिया को लेकर मीटिंग है, इसीलिए वो मुंबई जा रहे हैं। हालांकि हार्दिक पांड्या की पिछली हरकतों को मुंबई का मैनेजमेंट भी अच्छी तरह से जानता है, लिहाजा रोहित से बार बार पूछा गया कि क्या सब कुछ ठीक है, क्या वो नाराज तो नहीं है, क्योंकि रोहित की नाराजगी मुंबई के लिए खासा मायने रखती है। लेकिन रोहित ने साफ साफ कहा कि उन्हें कोई दिक्कत फिलहाल नहीं है, वो सिर्फ मुंबई इसलिए जा रहे हैं क्योंकि टीम इंडिया के लिए टीम का सिलेक्शन होना है और उसके लिए मीटिंग होनी है। अब ये ठीक है कि रोहित को टीम इंडिया की मीटिंग के लिए मुंबई आना पड़ा, मगर रोहित शर्मा एक रात तो चंडीगढ़ के होटल में रुक सकते थे, मैच खत्म होने के बात तो वहाँ टीम के साथ रह सकते थे, लेकिन रोहित शर्मा होटल गए, कुछ देर वहाँ रुके और उसके बाद सामान पैक करके सीधे मुंबई की फ्लाइट पकड़कर वहाँ पहुँच गए अपने घर पर, जो कि दिखाता है कि मुंबई की टीम के साथ खुश तो वो बिल्कुल भी नहीं है। रोहित शर्मा भले मैनेजमेंट से कह रहे हैं कि उनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि रोहित मुंबई और हार्दिक पांड्या के साथ कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए तुरंत मुंबई निकल गए। टीम के साथ थोड़ी देर भी रुकना और गवारा उन्होंने समझा नहीं। अब ऐसे हालात में तय मानिए कि हार्दिक पांड्या को वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह मिल जाए, लेकिन हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 में जगह बनाना इतना आसान नहीं होने वाला है। और यही नहीं, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच हो रही इस क्लैश का असर मुंबई इंडियंस की टीम पर भी लगातार पड़ रहा है और इस सीजन भले ही कितना ही अच्छा मुंबई की टीम खेले, लेकिन खिताब जीतना तो बहुत दूर की बात है, शायद प्लेऑफ तक भी क्वालिफाई ना कर पाए। अब आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, क्या रोहित शर्मा कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं और अब हार्दिक पांड्या को माफ कर देना चाहिए या फिर नहीं, हार्दिक ने जो किया है, जो कर रहे हैं, वो हार्दिक की माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है? आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।